जय हिंद इस वीडियो में लोग इंडियन इन्फोटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल आना शुरू हो गया कल से इसके शेयर प्राइस में तेजी देखी जा रही है आसान भाषा में कहें तो अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है ऐसे में, में क्या करना चाहिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इसमें ठहरना चाहिए दोनों में से कौन अच्छा रहेगा इसके बारे में बताऊँगा साथ में नए लोगों के लिए क्या अभी इसमें शेयर बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह भी बताऊँगा और पहली बार इस कंपनी से कंपनी के टारगेट निकलकर सामने आए मार्च में इसका क्या टारगेट रह सकता है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा इस वीडियो में आप आपस लास्ट तक बने रहिए और आइए शुरू करें

बना रह सकता है अपर सर्किट कुछ दिन तक लंबा चल सकता है और अगर सपोर्ट लेवल की बात कर लें हालांकि शेयर प्राइस अभी नीचे आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आर एस ऊपर जा रहा है फिर भी सपोर्ट लेवल जाएंगे तीन रुपये अठासी पैसा इसका पहला सपोर्ट लेवल और दूसरा सपोर्ट लेवल है तीन रुपये तिरसठ पैसा यहाँ तक आप बात समझ गए अब आप समझिए कि मार्च में इस कंपनी का क्या टारगेट रह सकता है पर्टिकुलर इस मंथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ समझेंगे अभी शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो इसका जो ऑफ ट्रेंड टारगेट है पहला टारगेट है दस रुपये नौ पैसा अगर यह अपने रेजिस्टेंस लेवल जो उसका आर टू लेवल है चार रुपये चौंसठ पैसा को पार कर जाता है तो इजीली यह दस रुपये नौ नौ पैसा के पार जाते हुए दिख सकता है और दूसरा जो अप्रेंड टारगेट बारह रुपए तैतालीस पैसा का और इस माह का जो सबसे हाईएस्ट और लास्ट टारगेट अपर सर्किट में चार रुपए बत्तीस कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब हाई से इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था लोअर सर्किट काफी लंबा चला है ऐसे में कहना थोड़ा कठिन होगा लेकिन आएगा जरूर एक ही अपर सर्किट में नहीं लेकिन जब अपर सर्किट लगना शुरू हो गया है। तो अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगते रहेगा और कम से कम दो तीन अपर सर्किट में चार रुपए में कुछ फिक्स नहीं होता अनिश्चितता का माहौल बना रहा है ऐसे में डाउन जाना शुरू होता है तो इसका जो पहला डाउन ट्रेंड टारगेट है तीन रुपए उनतालीस पैसा का सपोर्ट लेवल है तीन रुपए अठासी पैसा का अगर सपोर्ट को तोड़कर नीचे आता तब ना पहले यहां तक आएगा तो इसकी संभावना कम है क्योंकि मायने नहीं रखता है हालांकि जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड टारगेट पांच पैसा का यहां तक नहीं आएगा तो मैंने पिछले बार जो सेकंड सपोर्ट लेवल बताया था वो भी डेढ़ रुपए के आसपास बताया था तो एक रुपये पांच पैसा इतना नीचे नहीं आएगा इसको आप भूल जाइए अब यहां देखिए आप जब से देख रहे इसमें अपर सीट लगना शुरू हुआ है शेयर प्राइस तेजी आना शुरू एक एक दिन

और परसेंट लोग होल्ड करने के लिए रहे हैं देखिए कंपनी में कंपनी ठीक है कंपनी कोई बुरी नहीं है आप इसमें ठहरना चाहते हैं तो बेशक होल्ड कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है तो इसमें रुक सकते हैं और तीन परसेंट लोग जो सेल करने के लिए कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऊपरी लेवल पर किए हैं और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए अभी तो एवरेजिंग कर लीजिए अच्छा खासा उसके बाद जब प्रॉफिट हो जाएगा तो आप बेचकर निकल सकते हैं अब समझिए स्टॉक अभी जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें अपर्चुनिटी लगना शुरू हुआ है शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है अगर आप फंसे हुए तो यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी एवरेजिंग भी कर सकते हैं ठहर भी सकते हैं निकल भी सकते हैं तीनों रास्ता आपके लिए खुला हुआ है इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है कि बाई मत कीजिए जो लोग पहले से कंपनी के शेयर खरीद के फंसे हुए हैं सिर्फ उनके लिए इसमें सुझाव रहेगा अभी कि आप सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग कीजिए और जब आपको प्रॉफिट होता है तो बेच के निकल जाइए हाँ लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर को बाय तो कोई दिक्कत नहीं आप इसमें बेसक ठहरिए अच्छा आने वाले समय में कंपनी तो ग्रो करेगी इतना फिक्स है और आपको मुनाफा होगा एक और बात आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके कोई भी पर्सनल क्यूरी या मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जुड़कर तो आप मुझसे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ सवाल पूछ सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर मन में कोई सवाल है तो उसे पूछिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद शुक्रिया